चलिए ले चलते हैं आपको दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। बीते दिन शनिवार दोपहर करीब 3 बजे राजस्थान के छौलपुर से ये यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश हुई थी। यात्रा के दूसरे दिन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ग्वालियर जिले के मोहना में उपस्थित विशाल जन समुदाय को संबोधित किया। गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पाकिस्तान की तुलना में भारत में दोगुनी बेरोजगारी है। हमारे पास बांग्लादेश और भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और GST लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया है। न्याय यात्रा के 5 सिद्धांत के बारे में राहुल गांधी ने बात की और कहा कि देश में कई तरह के अन्याय होते रहते हैं। सबसे बड़ा है आर्थिक अन्याय। इस देश में 22 ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में उतना धन है जितना इस देश के 50% आबादी के हाथ में, जो 50% इस देश के सबसे गरीब लोग हैं। उनके हाथों में इस देश का 30% धन है, और इस देश के जो सबसे 5% सबसे अमीर लोग हैं, उनके हाथ में देश का 60% धन है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगार है। अगर युवाओं की बेरोजगारी को देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से दोगुनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। इसके पीछे मोदी जी की GST और नोटबंदी जिम्मेदार है। यह आर्थिक अन्याय है। किसी भी राज्य में चले जाइए, देश के युवा सड़क पर भटकते हुए ही दिखेंगे, बेरोजगार युवा दिखेगा, यही आर्थिक अन्याय है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%, तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? GST और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है।